सर। सिंपलीफाई, अभी अपन सिंपलीफिकेशन की बात कर रहे हैं। सिंप्लीफाई साइन इनवर्स 3x-4x³ इक्वल टू 3 sin inverse x। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5/6 और लेस देन इक्वल टू 5/6, ये हमें प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे ये समझो। LHS साइन इनवर्स 3x-4x³ पुट x इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये आ गया आपका साइन इनवर्स 3 sin θ-4 sin³θ, 3 sin θ-4 sin³θ। ये आ गया साइन इनवर्स sin 3θ, 3θ, थीटा की वैल्यू आ गई 3 sin inverse x। तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 sin inverse x। इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। सर, ये 3 sin θ-4 sin³θ का sin 3θ कैसा है? फॉर्मूला, ओके सर। ये फॉर्मूला होता है। आगे लिखो, एनसीईआरटी है क्या फर्स्ट बुक किसी के पास? नेक्स्ट लिखो। दो सेकंड, ये सिंप्लीफाई
टेन इनवर्स कोसेक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स, ये तो कल करवाया था ना, एक बार दोबारा देख लेते हैं। टेन इनवर्स कोसेक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स, तो टेन इनवर्स कोसेक्स, कोसेक्स को मैं लिखूंगा साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, तो साइन एक्स को लिखेंगे कोस पाई बाय टू माइनस एक्स, ताकि इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लग जाए। और ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, टेन इनवर्स टू साइन हाफ एंगल कोस हाफ एंगल, और ये लग गया टू साइन स्क्वायर हाफ एंगल। टू से टू कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो कोस अपॉन साइन हो गया कोट। और हमने कल भी बोला था कोट को हमें काहे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेन में। तो ये आ गया टेन इनवर्स टेन पाई बाय टू माइनस ब्रैकेट में पाई बाय फोर माइनस एक्स बाई टू, टेन इनवर्स टेन हट गया, पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर माइनस से माइनस प्लस, तो वैल्यू आ गई पाई बाय फोर प्लस एक्स बाई टू, तो इसकी वैल्यू आ गई पाई बाय फोर प्लस एक्स बाई टू। ये इसका सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई टू साइन इनवर्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन रूट टू, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन रूट टू। तो अपन इसको अलग अलग कर लेंगे, वन बाय रूट टू साइन एक्स प्लस वन बाय रूट टू कोस एक्स, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना लेंगे इस तरह से, साइन एक्स कोस पाई बाय फोर का कोस एक्स साइन पाई बाय फोर, ये बन गया साइन एक्स प्लस पाई बाय फोर। साइन इनवर्स साइन हट गया, तो क्या बचा, एक्स प्लस पाई बाय फोर, तो इसकी वैल्यू आ गई एक्स प्लस पाई बाय फोर। सिंप्लीफाई टेन इनवर्स अंडररूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, सिंप्लीफाई टेन इनवर्स अंडररूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। अब बेटा माइनस और प्लस आ जाता है तो हम कोस टू थीटा रखते हैं, तो पुट एक्स इक्वल टू ए कोस टू थीटा,
एक्स को रखेंगे हम ए कोस टू थीटा, या टेन इनवर्स ए माइनस ए कोस टू थीटा अपॉन ए प्लस ए कोस टू थीटा। ए कॉमन आ गया 1 माइनस कोस टू थीटा, और नीचे ए कॉमन आ गया 1 प्लस कोस टू थीटा। वन माइनस कोस टू थीटा ये होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा। या टेन थीटा इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो देखो एक्स बाई ए कोस टू थीटा तो कोस इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा इक्वल टू हाफ कोस इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये वैल्यू आ गई आपकी हाफ कोस इनवर्स एक्स बाई ए, हाफ कोस इनवर्स एक्स बाई ए, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो देख लिया था मैं, तो उसको फोन करके बोल दूँ सामने को। उसको समझा दो कि आप पेपर पर सब सही है, 1,000 रुपये क्या सी वो 100 से 200 से, तो वो समझा दीजिए। लिख लिया अगला लिखो। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर दिस इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, x की वैल्यू -1/√2 से लेकर +1/√2, ये वैल्यू। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो ये आ गया आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा।
रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस थीटा। ये आ गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, और 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है sin 2 थीटा, तो ये वैल्यू आ गई 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू sin इनवर्स x। यहां से थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, sin इनवर्स x। अब देखो ये सही है कि नहीं, ये देखो इधर भाई, x का वैल्यू आपका -1/√2 से +1/√2 था, और x आपने रखा था साइन थीटा, तो ये आ गया -साइन थीटा, तो थीटा हो गया ये -π/4 से +π/4, और मुझे चाहिए sin 2 थीटा, तो 2 थीटा हो गया आपका -π/2 से π/2, क्योंकि साइन इनवर्स की क्या है, प्रिंसिपल रेंज है, इसलिए ये सही है। ठीक है भाई, कर दो तो बढ़िया है। अब जैसा अगली वाली प्रॉब्लम में आपको दिख जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। लिखो यहां पर, साइन इनवर्स 2x अनरूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर दिस इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। x का वैल्यू 1/√2 से लेकर 1 तक। अब ये cos इनवर्स x प्रूव करना है, तो बेटा cos थीटा ही मानना पड़ेगा उसको। अब ऐसा क्यों करते हैं, देखो इधर समझो, LHS sin इनवर्स 2x √1 - x² पुट x इक्वल टू कोस थीटा। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, 2 cos थीटा √1 - cos² थीटा। तो ये आ गया 2 cos थीटा sin थीटा। तो ये आ गया आपका sin 2 थीटा। अब देखना इसकी रेंज कैसे बनाएंगे, ये समझना। अब आपका जो x का वैल्यू था वो 1/√2 से 1 तक गिवन, तो x है आपका cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू पाई 1 होता है 0 से π/4। अब 2 थीटा लेंगे तो आपका आ गया 0 से π/2, बस ये इसकी प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है, इसलिए सही है, साइन की प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है जी।
साइन की तो प्रिंसिपल रेंज माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होती है, कोस की थोड़ी देखनी है, अंदर कौन लिख रहा है, साइन की देखेंगे। ये आ गया आपका साइन इनवर्स साइन टू थीटा, तो इक्वल टू टू थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, कोस इनवर्स, थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स एक्स। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी, 0 से π/4 कैसा आया? 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। इसलिए 0 ये आ गया और ये 5/4 आ गया। अच्छा हाँ ओके सर। सर एक और बार समझा दो, 0 से π/4 कैसा है, π/4 से 0 आना चाहिए था ना बेटा π/4 बड़ा है कि 0 बड़ा है? सर, 0 बड़ा। π/4 बड़ा है तो π/4 तो बाद में आएगा ना, वैल्यू से थोड़ी मतलब होता है कि कौन कहाँ लिखी हुई है। अरे वैल्यू से मतलब नहीं होता है बेटा कभी भी, जैसे आपने cos थीटा रखा था, ये कोस थीटा की वैल्यू कोस 0 क्या होता है, अब थीटा आ रहा है तेरा, ये ऐसे लिखेगा नहीं कि π/4 से ज्यादा 0 से कम, ये नहीं तो सर, गलत हो गया, π/4 से ज्यादा 0 से कम कैसे लिखेगा नहीं? तो बेटा वैल्यू से मतलब नहीं होता कि वैल्यू यहाँ लिखी हुई तो यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है 1 0 से π/4 ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है ना? ओके सर, ऐसा नहीं है कि 1/√2 जहाँ लिखना वहीं π/4 लिखना जरूरी है, और देखना पड़ेगा 0 और π/4 में कौन बड़ा है। नेक्स्ट राइट कोट इनवर्स 1/√x² - 1 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, एक्स इज ग्रेटर देन 1 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, कोट एक्स इक्वल टू टे सेक थीटा, तो थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स रख दीजिए। टेन थीटा तो या कोट इनवर्स कोट थीटा इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स एक्स। ऐसा इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि एक्स का वैल्यू किससे ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। अभी यही प्रॉब्लम यदि मैं चेंज कर दूं तो अभी देखो गड़बड़ हो जाएगा, कैसे देखना समझना। राइट एक्स इज लेस देन -1 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे?
एक्स का वैल्यू -1 से कम है तो आप इसको लिखोगे मॉडुलस 10 थीटा, और मॉडुलस कोट थीटा। अब एक्स का वैल्यू किससे कम है, -1 से कम के लिए कौन सी रेंज आती है, 0 से पाई, पाई पाई बाय 2 से पाई, मतलब पाई माइनस। भाई कोट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से, यदि पॉजिटिव आता है तो थीटा आता है, और नेगेटिव आता है तो क्या होता है, पाई माइनस थीटा। जैसे मैं आपसे बोलूं कोट इनवर्स -√2 की वैल्यू, -√3 की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे, पाई माइनस, ऐसा बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए पाई माइनस, क्योंकि एक्स का वैल्यू तो नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पाई माइनस कोट इनवर्स कोट थीटा, तो पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स, क्योंकि ये एक्स क्या है, नेगेटिव, और एक्स नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, इसलिए ये अच्छी प्रॉब्लम है। 10 में होता तो माइनस आ जाता बस, यदि आगे 10 इनवर्स होता तो माइनस आ जाता। नेक्स्ट, प्रूव 3 cos inverse x इक्वल टू कोस इनवर्स 4x³ - 3x, एक्स बिलोंग्स टू 1/2 को 1। RHS cos inverse 4x³ - 3x, put x इक्वल टू cos थीटा, थीटा इक्वल टू cos inverse x, तो cos inverse 4 cos³ θ - 3 cos θ, और बेटा 4 cos³θ - 3 cos θ का फॉर्मूला होता है cos³θ। ये फॉर्मूला है जो लिख रहा हूं, cos³θ, ये आ गया 3θ, तो 3 cos inverse x। देखो ये सही क्यों है, इसका रीजन बताता हूँ। एक्स का वैल्यू 1/2 आप देख लेना, फिर वापस से मत बोलना कि सर ऐसा क्यों लिखा, ध्यान से देखना। कोस थीटा की वैल्यू 1/2, कोस में किसकी वैल्यू होती है, पाई बाय 3 की, और 1 किसकी होती है, 0 की। तो बेटा ऐसा नहीं लिखेंगे पाई बाय 3 से 0, इसको लिखेंगे 0 से लेकर पाई बाय 3, ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और 3θ करना है क्योंकि 3θ चाहिए मुझे, तो 0 से पाई, जो कि किसकी प्रिंसिपल रेंज है, कोस की, तो सही है ये, मतलब उसी की प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है। लिखो एक्सक्यूज मी सर,
चलिए आगे लिखो। एक्सक्यूज मी सर, सर ये इसके बाद वाली क्लास में आप मिक्स क्वेश्चन करा रहे हो या फिर टॉपिक वाइज? मतलब बेटा अभी तो टॉपिक वाइज ही चलेगा, उसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे आज। ओके सर, ओके सर। सिंप्लीफाई टेन इनवर्स 3a² x माइनस x³ अपॉन a³ माइनस 3ax² एक्स का वैल्यू माइनस a/√3 से लेकर प्लस a/√3 ये वैल्यू है। अब देखो इसमें आपको इसमें रखना पड़ेगा पुट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू एक्स वाई है, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स वाई है, तो ये आ गया आपका टेन इनवर्स 3a² इंटू ए टेन थीटा माइनस a³ टेन क्यूब थीटा अपॉन a³ माइनस 3a इंटू ए टेन थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या देख रहे हैं, a³ से a³ सब जगह से कैंसिल हो गया, 3 tan थीटा माइनस 10³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा, और ये फॉर्मूला होता है 10³ थीटा का, तो ये आ गया 10 इनवर्स 10³ थीटा तो इक्वल टू 3 थीटा, आंसर आ गया 3 tan इनवर्स x/a। अब क्यों, x का वैल्यू देखो माइनस a/√3 से लेकर प्लस a/√3, x को रखा हमने a tan थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू 1 माइनस 1/√3 से लेकर प्लस 1/√3, तो थीटा की वैल्यू -π/6 से लेकर +π/6। लेकिन मुझे तो 3 थीटा चाहिए, ये रहा 3 थीटा, तो 3 थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2, बिल्कुल सही है, ये इसकी प्रिंसिपल रेंज में आ रही है, तो इसका मतलब सही है आंसर। यस चलिए फिर अगली क्लास के लिए मिलते हैं इसके बाद, कल कंप्लीट हो जाएगा ये आपका।